वाह, ये क्रीम राजमा है। ग्रीन राजमा, ये चमोली से आती है व्हाइट राजमा। सर ये तो बहुत मोटे कैप्सूल लग रहे, तो ये चेक करो यार, सफेद राजमा। ये कौनी चावल है, ये भी चावल है जी, ये गोलाई में चने टाइप है ना। अच्छा। इसकी खीर काफी टेस्टी होती है। तो हां जी दोस्तों, इस वक्त नैनीताल पर हूँ। तो भैया ये बताइए, पहाड़ों में कौन सी राजमा बेचते हैं यहाँ पर? मैंने सुना बोट टाइप की राजमा आपके पास जी। उत्तराखंड में बेसिकली 65 के अराउंड राजमा होती है। 65 टाइप की राजमा? हाँ जी। ओ भाई साहब, सबसे पहले नाम बता दो अपना। हमारा नाम दीपेश पाठक है। अच्छा जी, आपके यहाँ 65 टाइप की पड़ी होगी राजमा? अभी तो नहीं जी, अभी नेक्स्ट मंथ आएंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो अभी कितने टाइप की पड़ी है आपके पास? अभी हमारे पास अराउंड 10 टाइप्स होंगे। 10 टाइप की, ये वाली बताएंगे दिखाएंगे? ये वाली आगे जी, ये धारचूला की है। ये वाली धारचूला? हाँ जी। तो जम्मू वाली है? जम्मू वाली अलग हुई जी। अच्छा, ये यही की है उत्तराखंड की? हाँ जी, पहाड़ी राजमा। हाँ जी, ये वाली राजमा आपको जम्मू में भी मिलेगी, हिमाचल में भी मिलेगी, उत्तराखंड। ये कौन सी जगह की राजमा है? ये धारचूला बोलते हैं। धारचूला? हाँ जी। अच्छा, उधर की फेमस है ना? हाँ जी। वाह वाह वाह, सर ये देखो जी, डिजाइनदार है। ये ब्राउन चित्रा और चित्रा दोनों मिक्स है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी अभी स्टार्टिंग ही चल रही है, तो गांव वाले सब मिक्स कर लाते हैं इसे। सर ये तो अद्भुत है यार, क्या बात है ना। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है शो पीस है, पर राजमा है खाने वाली है ना। हाँ जी। पर ये क्या? जब ये काली राजमा है। काली राजमा? हाँ जी, ये देखिए आप। ओ भाई साहब, या आप इसे काली चित्रा भी बोल सकते हैं। काली चित्रा भी कह सकते हैं, काली राजमा। ये व्यास से आती है? कौन सी एरिया की? ये व्यास धारचूला से आती है सर। ये उत्तराखंड में पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सारी मिक्स राजमा है, सारों की मिक्स करी हुई आपने ना। ये 180 रुपए किलो है, बाकी ये 200-200 रुपए किलो है ना सर। ये वाह, ये क्रीम राजमा है। ग्रीन राजमा सर? ये ऐसे कैसे कच्ची राजमा होगी? हाँ जी, ये मुंशियारी से आती है। कहाँ से आती है? मुंशियारी की। मुंशियारी की? हाँ जी, मुंशियारी की। अभी 5-6 वैरायटी अभी नेक्स्ट मंथ पहुंच जाएंगी हमारे। तो सर आपने मतलब जो भी राजमा रखी, सारों का प्राइस 200 रुपए रखा हुआ? हाँ जी, 200, 160, 180। ये वाली जी, ये ब्राउन चित्रा है। ब्राउन चित्रा? हाँ जी। क्या बात है जी, क्या बात है। तो सर खाने में टेस्टी होती है सारी राजमा इतनी बड़ी आपके पास? हर राजमा का अपना एक अलग टेस्ट है जी। हाँ जी सर। ये चमोली से आती है व्हाइट राजमा। ये चमोली से व्हाइट राजमा हो, क्या बात है। जैसे लोबिया भी कहते हैं? लोबिया अलग हुई जी, अलग होती, पर ये हाँ। हाँ जी, ये राजमा, ये राजमा है। ये दोनों राजमा है, ये लंबी में, ये गोल में। ये चेक करो यार, सफेद राजमा सर। ये लंबाई में हाँ कैप्सूल टाइप, ये गोलाई में चने टाइप है ना। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। ये लाल राजमा, ये लाल बड़ी राजमा, ये मुंशियारी की आती है जी। सर लाल तो वो थी, पर वो ज्यादा डार्क थी। वो डार्क है, वो धारचूला की है। धारचूला की? ये मुंशियारी की। मुंशियारी की? हाँ सर। ये कौन सी जी? ये बेताल घाट की चित्रा है। बेताल घाट की चित्रा? हाँ, क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी है यार, मोतियों जैसी राजमा है तो, है ना। आप कह रहे 65 टाइप की आपके पास? ये जी बैंगनी राजमा। ये बैंगनी राजमा है सर, ये चेक करो सर, ये तो बहुत मोटे कैप्सूल लग रहे हैं। तो ये भी धारचूला से ही आती है। धारचूला से आती है? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। सर ये क्या रखा जी? ये हमारे पहाड़ का लाल चावल है। लाल चावल? हाँ जी। ये लाल चावल सर वही है ना जो मतलब मनाली में मिलता है, हिमाचल में भी, जिसको कहते हैं शुगर पेशेंट खा सकता है? हाँ जी, ये वही चावल है, कोई भी यूज कर सकता तो है। तो ये कहाँ के जी? ये हमारे गरुड़ से आता है जी, गरुड़ सोमेश्वर और आपका देवघाट, इस साइड काफी लगाते हैं। तो सारा जो आपने दालें रखी है, चावल रखी, सारे ऑथेंटिक पहाड़ी है ना। हाँ जी, ये झिंगुरा चावल है, इसको पहाड़ में मादीरा बोलते हैं जी। जी जी, ये हमारे गढ़वाल क्षेत्र से ही आता है ये झिंगुरा। हाँ, ये राइस जैसे होते हैं ना। हाँ जी। ये कौनी चावल है? ये भी चावल है जी? हाँ जी, ये बहुत रेयर हो गया है। रेयर हो गया? हाँ जी। अच्छा। इसकी खीर काफी टेस्टी होती है, इससे खीर बनती है। हाँ जी, क्या बात है जी, क्या बात। ये लोबिया? ये लोबिया है। ये कहाँ की है? ये हमारे बेताल घाट की है। बेताल घाट की? हाँ जी। क्या बात है। ये गोल भट्ट है? गोल भट्ट? हाँ जी। इसकी वो भी सब्जी बनती है? हाँ जी, इसकी दाल बनती है, पीस के डुबके भी बनते हैं, पीस के बनाते हैं जो दाल स्पेशल। ये चपटा भट्ट? चपटा भट्ट मतलब इसकी चुड़कानी काफी टेस्टी मानी जाती है, गोल जो की मतलब यहाँ पर वो चपटे वाले की ज्यादा टेस्टी मानी, जो कुमाऊनी दाल बनती है यहाँ पर ना, फेमस है वो, इसी से बनती है दाल। हाँ जी, ठीक है जी। ये गहत हो गया? ये गहत की दाल है, ये किडनी स्टोन्स में काम आती है। ये तो पूरा उत्तराखंड की आन बन शान है ये दाल, है ना। हाँ जी, क्या बात है जी, क्या बात। ये तोर आगे, लाल तोर है, साबुत अरहर जिसे बोलते हैं जी। जी जी, ये भी फेमस है जी उत्तराखंड की। ये व्हाइट वाली, ये व्हाइट तोर। अभी इसमें एक ग्रीन आती है। ग्रीन भी आती है? हाँ जी। अच्छा, अवेलेबल नहीं अभी? अभी नहीं है। तो सर और पीछे का रखा जी आपने? भांगा? ये भांग के बीज हैं। भांग के बीज? सर जो भांग असली होता है वो वाला? हाँ जी, पत्तियों में नशा होता है, दानों में नशा नहीं। अच्छा, दानों में नशा नहीं? दानों में नशा। देखा ना भांग, देखा ना। ये चेक करो जी, भांग के बीज है जी, है ना। हाँ जी, इसमें नशा नहीं होता? इसमें नशा नहीं होता जी। जी जी जी, वो ज्वार रखा हुआ आपने? ये ज्वार है, ये मडवे का आटा, मडवे का आटा, धनिया, ये धनिया है, ये मूठ। सर ये क्या होता है जी, दिखाना। इसे आप स्प्राउट में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, दाल में भी यूज कर सकते हैं ना सर। कौन सी होती मूठ की दाल?
सर इसके पकौड़े बनते ना? नहीं वो मूंग, वो दूसरा होता है। अच्छा ये कोई हो रहा है, इसके नहीं पकौड़े बनते। तो नवा नवा कंटेंट, नवा नवा जायका आपको दिखाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। किसी ने ये ऑथेंटिक दालें परचेज करनी होगा, लोकेशन एड्रेस क्या पड़ती जी? ये नियर एरिज बैंड है, नैनीताल से 6 किलोमीटर नीचे। एरिज बैंड से 200 मीटर आगे आएंगे तो आपको हमारी शॉप। तो मौसम ऐसे ही चेंज होता रहता है यहाँ पर? हाँ जी, नैनीताल का मौसम है, चेंज बदलता रहता है, कभी धूप कभी छाव ना। हाँ जी। तो सर आपने हमें समय दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।